वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप सब? आज हम करेंगे सिंधी में वाहिद जमा। तो सबसे पहले आप अपना ग्रामर पोर्शन खोल लीजिएगा, उसमें है आज की तारीख डालिएगा, 2 तारीख, 8वां महीना यानी अगस्त और 2021। वाहिद जमा, वाहिद मतलब एक और जमा मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जमा। ठीक है, सिंधी में वाहिद जमा इस तरह करेंगे कि जिस लफ्ज़ के आखिर में वाव आता हो वो होता है वाहिद और अलिफ जमा। ठीक है, जैसे चमचो, एक होता है तो चमचो और एक से ज़्यादा हो तो चमचा। अब देखें उर्दू में जो है हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि चमचा, चमचा एक चम्मच के लिए जो है चमचा भी यूज़ करते हैं और चम्मच भी। ठीक है, लेकिन सिंधी में जो है चमचो यानी एक चम्मच और बहुत सारे होंगे तो चमचा। नगमो, नगमो यानी एक नगमा, नगमा बहुत सारे नगमे। गोढ़ो, गोढ़ो कहते हैं, गोढ़ो कहते हैं आंसू को। अगर एक होगा तो गोढ़ो और बहुत सारे आंसू होंगे तो गोढ़ा। बान्हो, बान्हो यानी बंदा, एक होगा तो बान्हो और बहुत सारे होंगे तो बान्हा। बान्हो, बान्हा बंदा, बंदे। बूटो, बूटो मतलब पौधा, एक होगा तो बूटो और बहुत सारे होंगे तो बूटा। पिंगो, पिंघा यानी झूला, झूले। वर्ण, अब देखें ये वाव और अलिफ वाले थे तमाम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पेश और ज़बर पे। अब इसमें क्या है कि जिस लफ्ज़ पर पेश होगा मतलब वो वाहिद है और जमा में उसको तब्दील करने के लिए हम आखिर लफ्ज़ पे पेश को हटा के उसकी जगह हम जमा लगा देंगे। वर्ण, वर्ण एक दरख्त, वर्ण बहुत सारे दरख्त। अखर, लफ्ज़ एक लफ्ज़, अखरा अल्फाज। वज़ीर यानी वज़ीर, वज़ीर बहुत सारे वज़ीर। मज़हब, एक मज़हब, मज़हबा मज़ाहिब। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ज़बर और वाव और नून पे। तो वो अल्फाज जिन में मोनस हो और उनके आखिर में ज़ेर लगी हुई हो, सॉरी उनके आखिर में अगर ज़बर लगी हुई हो, ज़बर लगा हुआ हो तो उसमें वाव नून लगाएंगे। जैसे अजरक, अजरकू। ईद, देखें अब आपको यहाँ पे भी थोड़ी टेंशन हो सकती है कि आप कहेंगे कि ज़बर वाला लफ्ज़ जो है वो जमा होता है, तो यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मुज़क्कर मोनस को इस्तेमाल करना है कि जहाँ पर देखें दरक भी होता है, लफ्ज़ भी होता है, वज़ीर भी होता है, मज़हब भी होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ मोनस की बात कर रही हूँ कि जिन मोनस पे ज़बर लगी हुई हो तो वो वाहिद होते हैं और उसको जमा में तब्दील करने के लिए वाव और नून का इस्तेमाल करते हैं। अजरक, अजरकू। ईद, ईदू। ईद भी होती है, अजरक भी होती है, ईजाद भी होती है, खबर भी होती है और छुट्टी भी होती है। अजरक, अजरकू। ईद, ईदू। ईजाद, ईजादू। खबर, खबरूँ। मोकल, मोकलूँ। अजरक, अजरक होती है, ईद, ईजाद भी, खबर। मोकल मतलब छुट्टी, छुट्टी भी होती है मोनस। ठीक है, मोकल, मोकलूँ। ठीक है बच्चों, ये समझ आया। इसके बाद हम आते हैं उन मोनस पे जिनके नीचे ज़ेर हो, उन मोनस में जिनके नीचे ज़ेर हो तो उसमें हम ये वाव और नून को लगा कर जमा बनाते हैं। जैसे जंग होती है, मक्खी होती है, बात होती है। ठीक है, जंगी, जंगियों। मक्खी, मक्खियों। गाल, गालियों। गाल बोलते हैं बात को, बातें। ठीक है, इसके बाद है कुछ जो है वाहिद ऐसे होते हैं, इसम भी होते हैं जो मुज़क्कर होते हैं और उनके आखिर में छोटी ये लगती है, तो उनकी वाहिद और जमा एक जैसी होती है। जैसे शहरी भी होता है और मारी, मारी का मतलब होता है शिकारी। शहरी भी होता है, शिकारी भी होता है, तो हम इसको जमा में कैसे लिखेंगे? शहरी, शहरी। जैसे ये एक शहरी है, हम। अब एक जो था वो शहरी था, ठीक है, अब जमा के लिए हम कहें हम बहुत सारे शहरी हैं। लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है? शहरी। तो शहरी का
यानी ये है मुज़क्कर लेकिन आखिर में छोटी आ रही है, शिकारी भी मुज़क्कर है और छोटी आ रही है आखिर में, तो दोनों के जमा में जो है छोटी यही लगेगा। शहरी एक हो चाहे बहुत सारे हों शहरी रहेगा, और शिकारी भी चाहे एक हो चाहे बहुत सारे हों शिकारी, यानी मारी मारी। सिंधी में शिकारी को कहते हैं मारी मारी मारी। ठीक है बच्चों, देखें ये वाव और अलिफ़, ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ज़बर और पेश वाला भी सही है, मौनस के ऊपर ज़बर को किस तरह तब्दील करेंगे वाव और नून में, जमा बना के तब्दील करेंगे। इसके बाद ज़ेर के साथ ये वाव नून,